हरियाणा की सियासत के माहिर खिलाड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल में राजस्थान सहित 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अपनी रणनीति को बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हुड्डा के लिए अगला हरियाणा विधानसभा का चुनाव करो या मरो का होने वाला है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल में देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को हरियाणा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के हक में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जैसे ही 3 राज्यों में कांग्रेस की हुई दुर्गति को भांपते हुए और हाल में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद वो दूसरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उनसे किए गए सवाल पर हुड्डा के जवाब से आपको आगे की रणनीति का अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। हुड्डा साहब का जवाब सुनिए। देखिए, कल जो मैंने अखबार में पढ़ा, बाकी तो आगे होगा, सीट शेयरिंग का होगा, स्टेट लेवल पे होगा, देखते हैं कौन क्लेम करता है। मेरे तो 10 की 10 क्लेम हमारी, कौन क्लेमेंट आता है, बैठ के बात होगी स्टेट लेवल पे, क्या आधार है, क्या पैरामीटर है। इंडिया में अभी तो शामिल नहीं है, वो तो उनका काम है, करेंगे तो मेरे क्या, आपको कोई आपत्ति नहीं? मेरे किसी से कोई आपत्ति नहीं। अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होती है या फिर आम आदमी पार्टी जैसे अन्य दलों का राज्य स्तर पर समझौता होकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो हरियाणा में आपके हिसाब से क्या परिणाम आएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अलख हरियाणा।